देखो भैया, माइकल जैक्सन के इस अतरंगी और ग्रेविटी को चूना लगाकर बकायदा किए गए इस डांस मूव से भी बेहतर अगर कोई डांस कर सकता है हमारे बॉलीवुड में, तो वो है हमारे सलमान भाई। क्योंकि जब भाई खड़े खड़े फिजिक्स के नियम बदल सकते हैं तो ये तो उनके लिए आम बात है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि भाई एक काम कभी नहीं कर सकते, अरे वो ही शादी। तो यार फाइनली सलमान खान की आने वाली मूवी किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर आ गया है, और इस ट्रेलर के बारे में अपन खुल के बात करेंगे कि इस ट्रेलर में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो अब देखो, ट्रेलर की शुरुआत में हमको भाई बॉलीवुड स्टाइल में एक रंगीन दुनिया के अंदर ले जाया जाता है, प्यार की दुनिया में, जहां हमको ये लव स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें पूजा हेगड़े भाई फुल कंफ्यूजन में होती है। सच में मतलब वो यहां सलमान खान से मिलने के बाद अब सलमान खान को भाई बोले या जान, ये समस्या है, क्या बोल रहे। खैर अब ये तो सलमान खान की पिक्चर है तो उसमें थोड़ा सा लव स्टोरी और रोमांस तो होता ही है, साथ ही सलमान खान की पिक्चर में होता है फुल तोड़ा फोड़ी वाला जबरदस्त एक्शन जो कि लॉजिक के परखच्चे उड़ा देता है और उसको लगा देता है दस्त, जिसमें यह भाई ने एक घूसा मारकर पूरी बिल्डिंग ही गिरा दी। लेकिन यार इतना तो चलता है, ये तो सलमान भाई का स्वैग है, तो फिर करो इनका स्वागत। इसके अलावा ट्रेलर की दूसरी सबसे अच्छी चीज देखने को मिली तो भाई वो है विलन, जो इस मूवी में काफी तगड़ा होने वाला है। क्योंकि देखो यार, एक एक्शन से भरी हुई मूवी के अंदर मजा तभी आता है जब उसमें विलन हीरो के टक्कर का हो, तभी तो मारा मारी में असली मजा आता है। और इसको देखकर साफ पता चलता है कि भाई लड़ाई टक्कर की होने वाली है। भाई दूसरे सीन में जब भाई ट्रेन के अंदर फाइट चल रही होती है तो वो भी काफी माइंड ब्लोइंग सीन लगता है। अब देखो, हमने सलमान खान की और भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसके अंदर ये ट्रेन के अंदर या मेट्रो के अंदर फाइट वाले सीन को देखा है, लेकिन इसके अंदर काफी जबरदस्त लगा, तो चलो इसको दिल से सपोर्ट करते हैं। और यहाँ अगर मैं कहूँ कि इस मूवी के अंदर हमको जो सबसे अच्छी चीज देखने को मिलने वाली तो वो है इसके भरपूर मसालेदार तगड़े तगड़े एक्शन सीन्स। इसी के साथ ट्रेलर में इसकी स्टोरी को और भी ज्यादा रिवील नहीं किया है, भाई इनकी आपसी लड़ाई, फैमिली ड्रामा, भाई बहन और रिश्तेदारों को बचाना, इनको ही सेंटर में रखा गया है स्टोरी के अंदर। प्लस इसके सॉन्ग्स भी काफी ठीक ठाक लगे, लेकिन भाईजान का ये डांस मूव मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। मतलब माना कि सल्लू भाई तुम एक बार कमिटमेंट कर देते हो तो उसके बाद तुम अपने आप की भी नहीं सुनते हो, लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ये है कि कम से कम एक बार उस डांस कोरियोग्राफर की तो सुन लेते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो यार शायद ये सलमान भाई का अपना ही एक स्वैग होगा जो यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शित किया है, अपन इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस हवा निकल गई। इसके अलावा मूवी के अंदर काफी बड़े बड़े सुपरस्टार का कैमियो भी देखने को मिलने वाला है, तो देखते हैं वो क्या कमाल दिखाते हैं। तो ओवरऑल कहूँ तो ट्रेलर इतना बुरा भी नहीं है, ये मूवी फुल एक्शन पैक्ड है, मूवी के अंदर ड्रामा है, फैमिली के लिए फाइट है, बस यार इसकी स्टोरी अच्छी हो तो और भी ज्यादा मजा आएगा इसको देखने में, क्योंकि वही तो मूवी की जान होती है। और अगर इसकी स्टोरी अच्छी रही तो ऐसा हो सकता है कि अपने सलमान भाई पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कमाई के मामले में। तो अब तुम्हारे क्या क्या थॉट्स हैं इस ट्रेलर को लेकर नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस मूवी के लिए तुम कितना एक्साइटेड हो वो भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।